नमोतस भगवतो अरहतो सम्मान संबुद्धस्स नमोतस भगवतो अरहतो सम्मान संबुद्धस्स नमोतस भगवतो अरहतो सम्मान संबुद्धस्स दमा मित्रों, आप सबका धर्मशाला में स्वागत है। हमें भी बहुत खेद है कि परमपावन जी की पूर्व निर्धारित अध्यापन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि उनकी घुटनों की इलाज के लिए आकस्मिक रूप से विदेश यात्रा में जाना पड़ा। इसकी कार्यक्रम बना रहे थे तो सब लोगों को ये लग रहा था कि कई उनकी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम टालना पड़ेगा, जिससे लोगों को असुविधा होंगे। लेकिन डॉक्टर लोगों का कुछ समय की ऐसा प्रबंध थे, तो इसलिए हम सबको बचा नहीं पाए। उम्मीद है भविष्य में फिर परमपावन जी की उपदेश को सुनने का अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा हम लोग सोचना चाहिए और आशा रखना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ आकर के आप लोगों से साक्षात मिलने का अवसर मिला और कुछ वादा लोग घूमने की भी अवसर मिला। इस स्थान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मेरे मूल गुरु जपजीरा रिंपोचे यहाँ रहा करते थे। 1960 में हम लोग धर्मशाला में थे तो लगभग प्रतिदिन मैक्लोडगंज से यहाँ पैदल आना पड़ता था और उनसे कुछ उपदेश प्राप्त करके फिर जाया करते थे। तो उसका संस्मरण अभी भी हम लोगों के मन में बहुत स्पष्ट होता है। तो यहाँ आने का जो अवसर मिला है तो एक तीर्थ यात्रा जैसा ही होता है। अच्छा, प्रारंभ में एक दो चीज में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज मेरे यहाँ जो वार्तालाप हैं ये केवल एक वार्तालाप है, भाषण जैसा है। ये कोई धार्मिक के उपदेश नहीं है, जिसके नाते हम लोगों को गुरु शिष्य की संबंध रखना पड़े। तो इसलिए एक शैक्षणिक के व्याख्यान के रूप में या कोई सूचना प्रदक व्याख्यान के रूप में अब ले सकते हैं। और बीच बीच में अगर कोई असपष्ट हो तो आप टोंक भी सकते हैं। जो मैं निवेदन करूंगा, दूसरी चीज वह आपके विचार नहीं है, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अस्वीकार्य हो तो उसको युक्तिक से तर्क से खंडन कर सकते हैं। तो ये मैं सोचता हूँ प्रारंभ में स्पष्ट कर दूं। जो विषय है मेरे लिए रखा गया है वो बहुत बड़ा विषय है, बौद्ध धर्म दर्शन परंपरा एवं दैनिक जीवन में अभ्यास। तो इसमें तो सारे बौद्ध वंगमय सम्मिलित हो जाते हैं। तो एक घंटे की वार्तालाप में इन सब के ऊपर कैसा न्याय करूं, मुझे
थोड़ा संशय है, फिर भी प्रयास करूंगा संकेतिक के रूप में कुछ बात हो जाए। तो आपने जो विषय दिया है उसमें बौद्ध धर्म, दर्शन, परंपरा, ये तीन शब्द आए हैं, और एवं दैनिक जीवन में अभ्यास, इन तीनों को दैनिक जीवन में कैसा अभ्यास किया जा सकता है, शायद ये प्रश्न है। तो इसमें प्रथम शब्द तो बहुत हैं, बहुत बुद्ध के प्रति संबोधित हैं। बुद्ध उस मनुष्य को कहा जाता है जिसने समस्त आवरण को प्रहण किया हो। आवरण में क्लेश आवरण और ज्ञेय आवरण दो रहता है। क्लेश आवरण मात्र वही है जो अकुशल मानसिकता, तो क्लेशों का संख्या गिना जाए तो मूल छह क्लेश और उपक्लेश 20 आदि, या पांच दर्शनिक और पांच आदर्शनिक वगैरह वगैरह, वो अभिधम में विभिन्न किस्म होता है तो उसमें जाने की अवकाश नहीं है। लेकिन क्लेश का अर्थ है अकुशल मानसिकता, अकुशल चित्त। अब के आवरण अकुशल चित्तों के माध्यम से जो एक वासना मन के ऊपर पड़ते हैं, जिसके कारण मन और विषय के बीच में एक आवरण जैसा हो जाता है, वो अरहंत प्रतीक बुद्ध भी प्राण ही किया होता है, केवल बुद्ध ही पूर्ण किया होता है। तो ये आवरण का प्राण के पश्चात स्वर ज्ञान प्राप्त होते हैं। स्वर ज्ञान का अर्थ है कि कोई भी चीज अज्ञान में ना रह जाए, समस्त धर्म जितना भी धर्म है और सब साक्षात और हमेशा परम सत्य और समृद्ध सत्य दोनों एक साथ साक्षात कर सकें, और जिसमें समाधि और समाधि इतर की अंतर ना हो। तो ऐसा अवस्था जिसको प्राप्त है उसको बुद्ध कहा जाता है। ऐसा बुद्ध उत्तम निर्माता के रूप में जब जब उत्पन्न होता है वह ऐतिहासिक बुद्ध बनते हैं। जैसा इस जगत में, इस कल्प में 1000 बुद्ध उत्पन्न होंगे तो उसमें से 3 जा चुके हैं। गौतम बुद्ध जिस शासन में हम लोग हैं वो चौथा है। 2500 वर्ष पहले भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ, धम्मचक्र प्रवर्तन किया, द्वादश कार्य किए और जिस शासन में हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर इस विशेष संदर्भ में कहा जाए तो बौद्ध जो हैं वो गौतम बुद्ध को ही माना जा सकता है। फिर दूसरा शब्द है धर्म। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, अपने संदर्भ के साथ इसका अर्थ बदलते जाते हैं। व्याकरण युक्ति में धर्म के शब्द की अर्थ 10 प्रकार के अर्थों में किया गया है। वो केवल 10 में सीमित नहीं है, 10 मुख्य रूप से उदाहरण के रूप में है। तो मूल रूप से जो गिरने वाले को थोड़ा उठाते हो, धारण करते हो, ऊपर रखते हो, उसको धर्म के शब्द से
कहा गया है। जब हम बुद्ध धर्म कहते हैं तो बुद्ध के द्वारा उपदेशित मार्ग फल की व्यवस्था है उसको धर्म कहते हैं यहां पर विशेष संदर्भ में। अन्यथा धर्म का शब्द संदर्भ के मुताबिक विभिन्न शब्दों में विभिन्न अर्थों में चले जाते हैं, लेकिन यहां धर्म का जो शब्द लिया गया है ये तेरे शरण की अंतर्गत की धर्म की बात है। बुद्ध धर्म और संघ ये तीन के अंतर्गत जो धर्म है उसके लिए यहाँ पर बौद्ध धर्म बुद्ध के माध्यम से बुद्ध शाक्या मुनि के माध्यम से उपदेशित माग और माग फल। माग और माग फल इसलिए मैं कह रहा हूं त्रिशरण के अंतर्गत की जो धर्म है उसमें माग और निरोध ये दो शरण की धर्म रूप में माना जाता है। मार्ग जिस माध्यम से क्लेशों को या गेय आवरण को प्राण करते हैं उसको मार्ग करते हैं, प्राण करने के बाद उससे निर्वृत्त जो मिलता है उसको निरोध। मार्ग सत्य और निरोध सत्य ये दो चीज से धर्म मानते हैं। तो यहां पर धर्म जो है मार्ग में तीनों ज्ञान के मार्ग सम्निहित होता है। चार्वाक ज्ञान जिससे अरहंत प्राप्त होते हैं, प्रत्येक बुद्ध ज्ञान जिससे प्रत्येक बुद्ध प्राप्त होते हैं, जिससे बुद्ध सत्व ज्ञान बुद्धत्व प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों ज्ञान के जो मार्ग हैं, मार्ग का अर्थ ये है कि जिसके माध्यम से अपने अपने जिन चीजों को समाप्त और निवृत्त होना होता है उसकी निवृत्त करने वाले उसको मार्ग है, जो निवृत्त हो जाता है उसको निरोध सत्य कहते हैं। तो इस दृष्टि से जो धर्म जो है मूल रूप से मार्ग और निरोध की बात को कहते हैं, लेकिन उसको और व्यापक रूप देखा जाए तो जिन धर्म के मार्ग और निरोध के सत्य को अभिव्यक्त करते हैं जो शब्द हैं उसको भी धर्म माना गया है। तो इसलिए धर्म के अंतर्गत जो आते हैं आगम और अधिगम, आगम धर्म में त्रिपिटक और अधिगम धर्म में त्रिशिषा, मोटा मोटी रूप से ऐसा कहा जा सकता है। अधिगम मन की पृष्ठभूमि में होता है और आगम शब्द की पृष्ठभूमि में होता है। तो आगम और अधिगम धर्म दोनों धर्म के अंतर्गत आता है। तो फिर दर्शन दिया है, दर्शन दर्शन मार्ग से भिन्न नहीं है। दर्शन भी मार्ग का एक अंग है। जहां पर धर्म कहा गया है उससे दर्शन अलग नहीं भी करें तो धर्म में दर्शन सन्निहित माना जा सकते हैं। लेकिन दर्शन का अर्थ सिद्धांतिक दृष्टिकोण को दर्शन कहलाते हैं। आजकल बहुत लोग दर्शन फिलॉसफी की पर्यायवाचा में लेते हैं, लेकिन वो बहुत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करें तो फिलॉसफी और दर्शन एक जैसे नहीं है, थोड़ा उसमें अंतर पड़ेगा। यहाँ पर दर्शन मूल रूप से सिद्धांत, एक सिद्धांत बनते हैं
उसको दृष्टा करने वाले एक चित्त को ही दर्शन कहलाते हैं। तो इसलिए बौद्ध वांग्मय में जब मार्ग प्राप्त होगा तो एक ही दर्शन होगा, लेकिन मार्ग प्राप्त होने से पहले जो साधारण बौद्धों की सिद्धांत या दर्शन की भेद को देखा जाए तो बौद्ध दर्शन में चार निकाय या चार अलग अलग संप्रदाय कहा जा सकते हैं होते हैं। उसमें द्विभाषिक, स्वतांत्रिक, चित्त मात्रता, माध्यमिक दर्शन की दृष्टि से चार वर्ग में विभाजित होता है, परंतु मार्ग प्राप्ति के लिए माध्यमिक दर्शन को ही देखना होगा, जाना होगा। बाकी दर्शन माध्यमिक दर्शन तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में है। तो दर्शन का मूल प्रस्थान है वो यथार्थ को या तथ्य को, परम सत्य को देखने की एक चेष्टा है। उस चेष्टा में संपूर्ण वस्तुओं की यथार्थ स्थिति कैसे होता है, वो प्रतिस संपन्न से उत्पन्न होता है, ये तो सभी चरों धर्म प्रस्थान मानते हैं, लेकिन प्रतिस संपन्न होने की व्यवस्था है, उसके विवरण है, उसमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो इसलिए दर्शन जो है मार्ग की प्रारंभिक की आवश्यकता है, यथार्थ को स्पष्ट दिखना। इसलिए अभी बताया गया आप लोगों ने आशांगिक मार्ग को अध्ययन किया है पिछले दिनों में, तो उसमें पहला आते हैं समय की दृष्टि। समय की दृष्टि का अर्थ यही है कि सबसे पहले दार्शनिक की दृष्टि से यथार्थ को समय के रूप से देखना। वो सभी अन्य मार्ग अंगों की मूल पृष्ठभूमि है, जहां पर समय की दृष्टि समय नहीं होंगे, दृष्टि में कोई त्रुटि रह जाएंगे तो बाकी जो साथ उसके बाद में आते हैं उस सब अंगों में समय के साथ आना कठिन रह जाएंगे। तो इसलिए धर्म और दर्शन में दर्शन धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। जो दृष्टि है वो मार्ग के अंग हैं, वह धर्म के अंग भी बनते हैं। तो फिर उसके बाद हमने रखा है परंपरा। परंपरा का शब्द विदेशी भाषाओं में ट्रेडिशन कहलाते हैं। तो ये बहुत साधारणता हमारे सारे बातचीत में परंपरा के शब्द उपयोग होते हैं, लेकिन परंपरा के अर्थ क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो परंपरा और रीति रिवाज एक ही जैसा मान लें। तो रीति रिवाज में बहुत सा कुरीति और अकुशल रिवाज होते हैं, तो इसलिए परंपरा केवल रीति रिवाज को नहीं कहते हैं, परंपरा का अपने अर्थ मान समझना चाहिए। अगर कोई चीज परंपरा से आते हैं तो उसको सुधारने की या उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। रीति रिवाज और आदत उसमें बहुत सी जैसा है जो अकुशल होते हैं, जिनको परिवर्तन करने की और छोड़ने की आवश्यकता भी पड़ते हैं।
ऐसा परंपरा की परिभाषा बहुत से विद्वान लोगों ने अपने अपने दृष्टि से किया है। मुझे सबसे अच्छा लगा श्रीलंका की महाविद्वान कुमार स्वामी, वो पहले अकोलॉजिस्ट थे, बाद में दार्शनिक बने और बहुत धर्म का बहुत सेवा किए हैं। तो उन्होंने परंपरा को अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। वो सब परिभाषा अन्य परिभाषाओं से सटीक और तार्किक अनुकूल, न्याय अनुकूल मुझे लगता है। तो उनका कहना है कि एक प्रमाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स, डिवाइन शब्द जो है वो थोड़ा इधर उधर जा सकता है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं प्रमाणिक सोर्स। भगवान बुद्ध को परमा पुरुष माना गया है। सो प्रमाणिक रिसोर्सेस, प्रमाणिक स्रोत से उत्पन्न हुआ हो, और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उस प्रमाणिक पुरुष से अपने गुरु तक अभिचिन्न मौखिक प्रदत्त संप्रदाय, संप्रदाय की परंपरा जैसा ही है, एक दूसरे को ओरल ट्रांसमिशन जो अंग्रेजी में कहते हैं, ओरल ट्रांसमिशन के माध्यम से, जैसा हम आज जो उपसंपदा की दीक्षा लेता है, तो भगवान बुद्ध से लेकर के अपने उपाध्याय तक वो सब नाम गिनते हैं कैसे कैसे वो, उसी तरह से जो कुछ उपदेश हो वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को संप्रदाय करके आए हुए हो। अनब्रोकन लीनेज जो अंग्रेज में कहा गया है। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, तार्किक दृष्टि से स्थापित किया जा सकते हैं, जा सके, वेरीफाइबल फ्रॉम रीजन एंड रैशनैलिटी। रैशनैलिटी और रीजन के माध्यम से उसको सत्यापित किया जा सके, सत्य सिद्ध किया जा सके। ये तीन चीज जिसमें हो उसको परंपरा कहते हैं। बहुत दिनों से चले आ रहे रीति रिवाज जरूर नहीं है कि वो परंपरा हो जाए। कुमार स्वामी का अपना शब्द है, लॉन्ग टाइम परपेचुएटेड हैबिट्स एंड सिस्टम्स डज नॉट नेसेसरीली मेक एन ए ट्रेडिशन। जब मैं ट्रेडिशन कहता हूं तो उसकी दूसरे पक्ष में आधुनिकता, मॉडर्निटी, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, परंपरा और आधुनिकता, ये दोनों के जो संघर्ष हैं जिसमें आज संपूर्ण मानव पीस रहे हैं, फंसे हुए हैं, तो इसलिए हमको परंपरा को भी जानना चाहिए और आधुनिकता को भी जानना चाहिए। जब तक आधुनिकता को ठीक से नहीं जानेंगे तो परंपरा की महत्व नहीं समझ पाएगा। तो इतने दिन शब्दों से मैं समझता हूँ बहुत धर्म, दर्शन, परंपरा, इसका एक सांकेतिक व्याख्यान हो गया। अब भगवान बुद्ध के माध्यम से उपदेशित उनके धर्म और दर्शन की परंपरा जो अभी प्रचलित हैं, बहुत धर्म दर्शन की परंपरा
जीवित हैं, प्रचलित हैं, ये हम ठीक से समझ सकते हैं, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। परंपरा में कोई बीच में त्रुटि नहीं है, अविच्छिन्न लीनेज आए हुए हैं, तो इसलिए वो हम कह सकते हैं। अब वो दैनिक जीवन में कैसा अभ्यास किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस पर विचार किया जाए। जीवन जी रहे हैं या इसको बिता रहे हैं, ये एक प्रश्न सबके सामने आते हैं। जीवन जी रहे हैं तो जीवन के ऊपर आपने नियंत्रण होना चाहिए, कैसे जिए। नियंत्रण मतलब 24 घंटे की जो हमारा जीवन है उसको किस रूप में उपयोग किया जाए, किस रूप में उसको एक अर्थपूर्ण जीवन के रूप में, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जीवन को निरर्थक जाया ना किया जाए। तो आपने मन से जिस प्रकार से हम जीना चाहते हैं उस प्रकार से जिए तो उसको जीवन कहा जा सकते हैं। बाकी हम बिना कोई समझते या समय जो अपना आप अपनी गति से, समय तो रिजर्व बख्शिशन दुनिया जुड़ो, जो बहुत स्टीप पहाड़ से पानी पैदा होता है, उसी तरह से हमारा जीवन भी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो उसमें कोई अपने नियंत्रण या अपने इच्छा अनुसार जीवन को उपयोग करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो इसलिए अभ्यास करने की सबसे सरल और सबसे उपयोगी ये लगता है, आशंगिक मार्ग को देने के अभ्यास के रूप में हम उसके सारे अर्थ को समझते हुए अभ्यास करें, तो उससे बढ़कर के और कोई दूसरा उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं है। वैसा बौद्ध वांग्मय में अभ्यास करने के लिए साधारण पुरुष को धार्मिक पुरुष के रूप में परिणित करने के अभ्यास करने की कई प्रकार के उपाय बताया गया है, लेकिन असंग मार्ग जो है वो भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्मचक्र के प्रवर्तन के समय में उपदिष्ट किया था। प्रथम धम्मचक्र प्रवर्तन को चार आया सत्य धम्मचक्र भी कहलाते हैं। चार आया सत्य को दर्शाते हुए और दुख सत्य से दुख निरुद्ध सत्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग सत्य को अभ्यास करना चाहिए। ये तो मूल यही है। मार्ग सत्य को अभ्यास कैसा करना चाहिए, वो आश्रम मार्ग के माध्यम से अभ्यास करना चाहिए। तो इसलिए जो प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन
जो बुद्धसत्व ज्ञान में परमित ज्ञान में जो जहाँ पर तीन दमचक परिवर्तन की व्यवस्था मानते हैं, सर्वापियानों में एक ही दमचक परिवर्तन की जिक्र आता है, वो केवल सारनाथ में पांचों की भिक्षु को चार आसक्ति के उसको ही दमचक परिवर्तन मानते हैं। लेकिन परमित ज्ञान की स्रोत से तीन दमचक्र परिवर्तन माना गया है, तो उसमें जो प्रथम दमचक्र परिवर्तन चाराय सत्य पर आधारित उपदेश था, वो समस्त दमस्कंद 84,000 दमस्कंद की मूल या रूट माना जा सकता है, जिससे सारे बाकी उसकी व्याख्यान के रूप में उत्पन्न हुआ है, उपदेशित हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले समय दृष्टि चाहिए, समय की दृष्टि चाहिए। अपने जीवन में धर्म को उतारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले धर्म क्या है उसको जानने की दृष्टि, अधर्म क्या है उसको भी जानने की दृष्टि, ये दोनों होना चाहिए। यहां मैंने दर्शन की बात किया है, दर्शन में अनेक प्रस्थान हैं, बौद्ध दर्शन में भी चार प्रस्थान हैं, ये मैंने कहा था। लेकिन बौद्ध धर्म का एक स्थूल सीमाएं बांधा गया है, स्थूल सीमाएं जिसको दर्शन के लिए सब संस्कार अनित्य, ये पहला सीमा है, और सभी आसुरवा दुख ये द्वितीय सीमा है, सर्वधर्मा शून्य और निरात्मा ये चौथा स्थान सीमाएं हैं, और निर्वाण मात्र शांत ये चौथा सीमा है। इन चार सीमाओं की उल्लंघन करते हैं, उसके बाहर जाते हैं, ऐसा कोई दृश्य बनते हैं, तो उसको बौद्ध दर्शन नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी दर्शन बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आने के लिए ये चार सीमा का उल्लंघन ना हो। जो भी संस्कृत चीजें हैं वह नित्य नहीं हो सकता है, वो निश्चित रूप से अनित्य होगा, क्योंकि वो कार्य कारण के माध्यम से जो उत्पन्न हुआ है, तो उस कार्य कारण के माध्यम से विनाश भी होगा। तो इसलिए सर्व संस्कार धर्म जो है वो अनित्य माना चाहिए, यही एक सीमा है अनित्यता का। और जो भी कर्म और क्लेश से, क्लेश के माध्यम से उत्पन्न कर्म से निर्मित जो भी वस्तु है सांसारिक, वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रोच रूप से दुख ही होगा, अंततगत दुख, दुख परिणाम दुख और संस्कार दुख, ये तीनों में से कोई चीज के अंतर्गत आएंगे, तो सभी ससुरों को दुख मानना। और सर्वधर्मा जो भी अपने स्थिति में है वह आत्मरहित होंगे और शून्य होंगे। भारतीय दर्शनों में
वर्गीकृत करते समय आत्मावादिन और निरात्मावादिन ये दो वर्ग में जो वर्गीकृत करते हैं तो समस्त षट दर्शन या आठ दर्शन जो भी उत्पन्न हुआ है उसमें बौद्ध मात्र ऐसा है, चार्वाक का बौद्ध, चार्वाक की परंपरा तो बने बचे नहीं है, लेकिन चार्वाक भी निरात्मा मानते थे, लेकिन उनका निरात्मा मानने की तरीका था वो उच्छेदवाद के रूप से मानते थे। तो बौद्धों की जो है वो निरात्मावाद हैं, वो तार्किक दृष्टि से जिस आत्मा को हम आरोपित करते हैं वो तार्किक दृष्टि से सिद्ध नहीं हो सकता है, तो उस तरह से निरात्मा सिद्ध करते हैं। वैसा ईश्वरवादी अनिश्वरवादी की दृष्टि से देखा जाए तो जैन और बौद्ध दोनों अनिश्वरवादीन हैं, परंतु जैन आत्मावादीन है, निरात्मावादीन नहीं है। जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बीच में कोई रेखा खींचना हो तो वो आत्मा आ जाते हैं, अन्यथा बहुत निकट हैं। निरात्मा और शून्य ये दोनों शब्द हैं। निर्वाण के अतिरिक्त कोई भी पद जैसा स्त्रीलोक में बहुत सा ऐसा जगह है जहां पर कुछ समय के लिए दुख दुख और परिणित दुख से निवृत्त होता है, लेकिन वो संस्कार दुख से निवृत्त नहीं होते हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, उसको अंतिम लक्ष्य मान लेने वाले बौद्ध हैं, तो उसको निकालने के लिए निर्वाण मात्र, यहाँ पर निर्वाण का अर्थ है संपूर्ण क्लेश आवरण समाप्त किया हो, प्राण किया हो, तो वो मात्र। तो ये चार सीमाएं के अंदर जो भी दर्शन का सिद्धांत का विभिन्न रहते हैं वो अबोध नहीं होता है अगर ये चार सीमाओं में रहे। तो उस सीमा का अंतर्गत रहने वाले एक समय की दृष्टि अपने मन में उत्पन्न हो, अपने दृष्टिकों में आवे, तो ये अष्टांग मार्ग की प्रथम सीढ़ी प्राप्त माना जा सकते हैं। तो इसमें आदित्यता की दृष्टि होना चाहिए, निरात्मा की दृष्टि होना चाहिए, शून्यता की दृष्टि होना चाहिए, और निर्वाण का अतिरिक्त कोई भी दुख निरोध नहीं है इसकी दृष्टि होना चाहिए। इन दृष्टियों से बने हुए एक कोई दृश्य बने तो वो समय की दृष्टि है। उस समय की दृष्टि से एक इच्छा एक अभिलाषा उत्पन्न होता है, वह यह है कि समस्त दुखों से निवृत्त होकर के निर्वाण प्राप्त करने की कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब तक सासुरु से आगे नहीं जाते हैं, क्लेशों से उत्पन्न कर्म के सांचे से आगे नहीं जाते हैं, जैसे भी जगत में उत्पन्न हो वो दुख की सीमा से बाहर नहीं है। तो इसलिए मृत्यु और जन्म के चक्र से निवृत्त होना चाहिए, और उस निवृत्त होने के लिए मार्ग की अभ्यास करना चाहिए। ऐसा इच्छा उत्पन्न समय की दृष्टि से ही होगा। समय की दृष्टि से अब देखते हैं कि ये जीवन अनित्य है और व्यक्ति निरात्मा है। व्यक्ति निरात्मा होने के कारण व्यक्ति के सभी अकुशल कार्य के संचय हैं, या अकुशल कार्य की हेतु अकुशल क्लेशन है, इन सब का प्राण किया जा सकता है, क्योंकि ये
मिथ्या दृष्टि पर आधारित हैं। इस मिथ्या दृष्टि से हम बाहर आ सकते हैं। तो ये समय की दृष्टि से आपको, समय की दृष्टि से एक जगत की मूल स्वरूप को देखेंगे, दुख के मूल स्वरूप तो देखेंगे, दुख समुदाय की परिस्थिति को भी देखेंगे और दुख निरोध की सत्य को भी देखेंगे। तो दुख से दुख निरोध सत्य में जाने की अभिलाक्षा समय की दृष्टि से उत्पन्न होगा। उस समय की दृष्टि से निसरण चित्त या दुख रहित प्राप्त करने की चित्त को संकल्प रूप में, समय के संकल्प रूप में सिद्धिर अपने मन में करना चाहिए। तो संकल्प और समय की दृष्टि ये दोनों चित्त आधारित कार्य हैं। व्यक्ति का कार्य की तीन द्वार होता है, काय वाक चित्त। तो काय वाक चित्त में चित्त प्रधान है, क्योंकि चित्त के माध्यम से वाक और काय के सारे कर्म और उसके निरंतरता पर नियंत्रण करते हैं। तो इसलिए चित्त की समय की दृष्टि और समय के संकल्प ये दो प्रथम जो मार्ग अंग हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो समय की दृष्टि से समय के संकल्प का उत्पन्न हुआ। समय के संकल्प के उत्पन्न होने के बाद समय के वाक कर्म है। समय के कर्म ये तीनों काय वाक चित्त तीनों की कर्म है, तो ये उत्पन्न होता है। यहाँ पर समय के वाक का अर्थ ये है कि समय की दृष्टि से समय के संकल्प के बाद समय के वाक के समय में बुद्ध वचनों को और उपदेशों को, शास्त्रों को, जो समय के वाक के माध्यम से बौद्ध धर्म दर्शन की विशाल परिस्थितियों को स्पर्श करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उन सबको देखना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, सीखना चाहिए और इन सब के माध्यम से, क्योंकि ये धर्म को और धर्म अभ्यास को अपने मन में उतारने के लिए पहला कदम होता है श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने की। श्रुति ज्ञान प्राप्त समय वाक्य के माध्यम से किया जा सकता है और श्रुति ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण बुद्ध वचनों को, श्रवण कर सकते हैं और श्रवण करने के बाद मनन करना ये संकल्प और समय दृष्टि के माध्यम से भी होता है। तो इससे इससे बौद्ध दर्शन और बौद्ध धर्म को संपूर्ण रूप में और समय के रूप में जानने का कार्य होगा। तो उसके बाद समय के कर्म, तो ये अधिकांशतः कायिक कर्म पर रेफर करते हैं। तो वो जिस प्रकार से दैनिक जीवन में अधिकांश जो समय है
वह समय संकल्प समय दर्शन और समय के वाक के माध्यम से जो कुछ अभ्यास करना है उसमें लगा सकें, उस क्रम में लगा सकें। ये चौथा जो है एक प्रकार से बाह्य कायिक रूप में दैनिक जीवन में कैसा एक प्रकार से कार्यक्रम या समय क्रम बंद करके कम से कम जीवन को नष्ट होने से बचाया जाए, हर एक पल एक अच्छे कर्म लगा सकें, ये चौथा है। तो ये सब होने के लिए अपने आजीविका समय का होना बहुत जरूरी है। ये सब कठिन चीज भी है, समय आजीविका। आज के संदर्भ में आज हम उत्तराधुनिक व्यवस्था में जी रहे हैं, उत्तराधुनिक व्यवस्था किसी भी व्यक्ति को समय के आजीविका कमाने के रखने के क्षमता से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत कठिन, उसको जाना भी बहुत कठिन है और उससे निकलना भी बहुत कठिन है। यहाँ बहुत प्रासंगिक नहीं है लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा, समय का जीविका हम कैसा रख सकते हैं। एक आजीविका जो सत्य पर आधारित हो, जिसमें कोई असत्य की प्रयोग ना करना पड़ते हो, अहिंसा पर आधारित हो, जिसमें हिंसा की सीधे तौर पर या अप्रोच रूप से अपने आजीविका की संपादन में कोई हिंसा ना हो, तो ऐसा आजीविका अपनाना इस समय बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है कि मनुष्य को उपयोगकर्ता से उपभोगकर्ता में परिणित हो चुका है। आज हम यूजर नहीं रह गया, आज हम कंज्यूमर हो गया है। ये संपूर्ण समाज की व्यवस्था के माध्यम से हमारे ऊपर इतना अंकुश लगा किया है कि हम अपने आवश्यकता क्या है ये समझने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर दिया है। हम अपने आवश्यकता अपने विवेक से नहीं तय करते हैं, मुझे कितना खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह से मैं स्वस्थ रह सकता हूँ, ये सब अपने से। आपके स्वास्थ्य भी एक उद्योग है, हेल्थ इंडस्ट्री, और आपकी प्रार्थना भी, तीर्थ यात्रा भी एक उद्योग बन चुके हैं। तो वह विशुद्ध रूप से धार्मिक दृष्टि से होना कठिन हो गए हैं। तो इसलिए आज अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास करने में समय का जीविका जो है वो मैं समझता हूँ इस समय सबसे अधिक कठिन है। आधुनिक व्यवस्था को गांधी जी ने असभ्य के रूप में क्यों देखा, तो ये इसलिए कि मनुष्य अपने स्वाधीनता को, स्वराज को खो चुका है, खोने में विवश किया गया है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, और उस अर्थव्यवस्था की कार्य को ठीक रखने के लिए सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी उसका अनुरूप कर दिया गया है।
आप लोगों ने कुछ समय पहले ध्यान दिया होगा, 1990 के दशक में एक ग्रंथ लिखा गया था, When the Corporation Rules the World, और उसके बाद दो तीन साल के बाद Post Corporation Ruled World, एक ऐसा भी ग्रंथ लिखा गया था। तो यथार्थ में आज समस्त मनुष्य, मानव समाज उद्योगपतियों के गुलाम हो चुका है। तो हम किस चीज का उपयोग करना चाहिए ये हम नहीं तय करते हैं, वो उत्पादक तय करते हैं और उसको आपके ऊपर विचारों को थोप करके और आपको इंडोक्ट्रिनेशन करके, ब्रेन वॉश करके, तुलना करना और पता करना, इसके माध्यम से अब दुनिया में मेरे ख्याल से कोई भी देश ऐसा छूट नहीं गया जो राष्ट्र के रूप में रहते हो, जिसके साकार भी हो, लेकिन वो दो तीन चार उद्योगपतियों की निहारत में ना हो। पहले कुछ बचा हुआ था, जैसा रशिया और चीन अपने को समय बाद की व्यवस्था में रहने की, अब वो भी पूंजीवाद हो गए और राष्ट्र पूंजीवाद के रूप में आ गए, वहां पर भी कुछ उद्योगपतियों की नियंत्रण में सब चला गया। तो इसलिए दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं बचा जो जनता की इच्छा से शासन चलता हो, केवल शासन चलते हैं उद्योगपतियों की इच्छा से। मनुष्य एक सामग्री है, संसाधन है। पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोगों के पास हिंदुस्तान में भी होता था शिक्षा मंत्रालय, अब कुछ दिनों के बाद शिक्षा मंत्रालय के नाम बदल करके मानव संसाधन मंत्रालय। मनुष्य एक संसाधन है, उसको ऐसा बनाना है, ऐसा उत्पादित करना है उस संसाधन को, शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, जो उद्योग घरानों की नौकरी करने के लिए सक्षम हो और आज्ञाकारी हो, अपने स्वाधीन मन का उपयोग ना करें, तार्किक ना बने, बहुत आज्ञाकारी बने रहें, ऐसा हम मानव संसाधन को प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे समय में समय का जीविका अपनाना बहुत कठिन हो गए हैं। मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा बहुत समय आया, एक बार मैं ऑफिस के काम कर रहे थे, ऑफिस में था, तब कई न्यायस की, ट्रस्टीज की, संगठनों की काम देखना पड़ते थे। तो उस समय एक बहुत सक्षम चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग काम करते थे, मैंने उनसे कहा कि देखिए कहीं पर भी असत्य नहीं आना चाहिए, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हो गया है, उसको यथार्थ में उसको असत्य वाक्य से या कागजों से इधर उधर मत करिए, नुकसान होगा फायदा होगा उसके बाद दूसरे हैं, लेकिन असत्य की सहारा हमें नहीं लेना चाहिए और कानून का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये दोनों ख्याल रखिए, बाकी आप चिंता मत करिए। तो कहा कि तब मैं नहीं काम कर सकूंगा, कुछ असत्य के सारे लिए बिना
या कुछ कानूनों को उल्लंघन किए बिना ये संस्था चल नहीं पाएंगे। फिर भी मैं आग्रह रहा कि नहीं संस्था को नुकसान पहुंचते हैं या संस्था बंद हो जाते हैं उसका चिंता मत करिए, लेकिन हम असत्य के बागी नहीं बनेंगे। तो कुछ दिनों के बाद उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारा काम छोड़ दिया और कोई दूसरा आदमी। तो ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, आज जो समाज की, राष्ट्र की, कानून की सारी व्यवस्था को देखते हुए समय की आजीविका कोई आदमी बिग मंगकर की शेयर चला सकते हो, लेकिन अब इसमें कुछ कृषक हैं या कुछ ऐसा वेतनभोगी हो सकता है जो अपने मालिक भी हिंसात्मक या असत्यात्मक कार्य नहीं कर रहे हो, तो ऐसे चाहे जो भी हो, समय की आजीविका की अर्थ ये है कि असत्य की सारा ना लेना पड़े, सीधे या अप्रोच रूप से कहीं हिंसक कारण ना बने। ये दो चीज को ध्यान रखते हुए कोई आजीविका मिल जाए तब वो समय का आजीविका होगा। अपने परिश्रम से जो कुछ कमा सकते हो और उसके उपयोग अपने आवश्यकता, सच्ची आवश्यकताओं की अनुकूल उपयोग कर सकते हो, तो वही समय का जीविका होगा। जो आवश्यकता से अधिक कुछ भी हम उपयोग करते हैं वो उपभोग हो जाएगा और वो किस अन्य के हिस्सा का हम अपहरण कर रहे होंगे। तो ये गांधी जी कहना बहुत सही है। आजीविका जीवन के लिए अनिवार्य है। कोई भी जीवन आजीविका की साधन के बिना नहीं चल सकते हैं और आजीविका समय के ना होने से सारे जीवन दूषित हो जाता है। ये सबसे कठिन चीज है। तो उसके बाद समय के प्रयास, ये वीर्य पारमिता की अभ्यास हैं, आलस ना हो और समय की नष्ट ना हो, काय वाक चित तीनों के माध्यम से लगातार प्रयासरत रहें और समय के सीमित ये काय वाक चित की सारे कार्यों को अपने समरण में रख सकें, अपने पहचान में रह सकें, अपने ज्ञान में रह सकें, समरण अनुसमित और समय की जान, ये दोनों के अभाव में हम बहुत सा चीज बिना सोचे समझे या बिना अपने को संप्रज्ञान के माध्यम से देखे हुए चीज अनमाइंडफुली और चीज हो जाता है। उसको रोकने के लिए हमेशा जो भी शब्द बोलें तो उसके पहले सोच समझ लें, उसको देख लें हम क्या बोलने जा रहे हैं। कोई भी मन में विचार आवे तो उसको पहचानें कि कुशल विचार हैं कि अकुशल विचार हैं, हमें इसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। और कोई कार्य कई कार्य करने जा रहे हो और वे उसको अच्छे तरह से जांच लें, तो इसलिए समय की सीमित।
तो उसके बाद समय के संबंध ही अपने आप आ जाएंगे। वो एक समाधि के रूप में मूल रूप से क्षमता और विपश्यना, क्षमता चित्त की स्थिरता के लिए है, विपश्यना चित्त की विवेक के लिए है, विश्लेषण के लिए है। स्थिरता के साथ विश्लेषण कर सकें उसको शमत विपश्यना दोनों एक रूप में हो जाता है। तो वो अभ्यास की अंतिम बिंदु है। स्थिरता की चित्त के माध्यम से कोई विषय को बिना कोई उद्दत और ले की माध्यम से ना बिगड़ा हुआ ठीक ढंग से विषय को देख सकें और उस विषय का विश्लेषण कर सकें, तब आप मार्ग में प्रवेश होंगे, दर्शन मार्ग प्राप्त हो सकेंगे। क्षमा प्राप्त करने के बाद प्रयोग मार्ग में आप प्रवेश होता है। समय के संकल्प के माध्यम से संवर मार्ग में प्रवेश, प्रथम मार्ग में प्रवेश होता है। तो इस तरह से फिर प्रयोग मार्ग, फिर उसके बाद दर्शन मार्ग, तो उसके बाद फिर अरहंत होत या प्रत्येक बुद्ध या बुद्धत्व जो भी होगा वो प्राप्त होगा। ये अभ्यास करने के क्रम में ऐसा माना जा सकते हैं। तो संकेत के रूप में मैंने जो इस विषय में रखे हैं उन सब शब्दों पर थोड़ा बहुत विश्लेषण करने की प्रयास किया। मूल रूप से जो आप लोगों ने चाराया सत्य और आशंगिक मार्ग के विषय में पिछले कई दिनों से अध्ययनरत हैं तो आपको जानकारी तो होंगी ही। तो उस दृष्टि से बौद्ध धर्म और दर्शन की परंपरा को अपने दैनिक जीवन में कैसा उतारा जा सकता है, तो इसकी सुझाव के रूप में आशंकिक मार्ग को अपना करके कैसा चल सकते हैं। पहला समय की दृष्टि प्राप्त करें, उसके बाद संकल्प प्राप्त करें, समय के वाक्य माध्यम से श्रुति ज्ञान को वृद्धि करें, और फिर उसके बाद समय के कर्म के माध्यम से उसको अपने चिंतन ज्ञान के रूप में परिणत करें। श्रुति ज्ञान की जो ज्ञान है उसको चिंतन ज्ञान की ज्ञान में परिणत करें। फिर इन सब कार्य के लिए समय की आजीविका की प्रयास करें, और फिर समय की आजीविका की व्यवस्था हो जाते हैं तो समय के प्रयास के माध्यम से सब चीज को बहुत ज्यादा उग्र या निरंतरता की प्रयास के रूप में करते रहें। तो उन सब को ठीक रखने के लिए समय की स्मृति की अभ्यास करें, हर चीज को स्मरण की बाहर जाने ना दें। तो जिसके माध्यम से मूल रूप से समाधि प्राप्त हो, जिससे मार्ग सत्य को अपने मन में उतारें। तो मैं समझता हूं इतना ही मैं निवेदन करूंगा, और शेष कुछ समय बचा है उसमें आपकी आपकी कोई प्रतिक्रिया हो या प्रश्न हो या कोई सुझाव हो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए।
आपके ध्यान के लिए अब आ रहे हूँ। बचे का भी जो समय बचा हुआ है तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ अगर लिखित क्वेश्चन तैयार किए हों तो मुझे दे सकते हैं, या उसके अलावा आप लोग डायरेक्ट रूप से यहाँ आकर के प्रश्न पूछिए, एक एक उठ के यहाँ आ सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसको भी पूछना है यहाँ आ जाइए, अगर लिखित भी रखे हैं तो लिखित भी दे दीजिए। आइए समय खराब न करते हुए और जो भी पूछे वो स्पष्ट पूछे। ये जो मिश्र जी पहला प्रश्न है, गुरुजी मैं मनुष्य से नीचे वाले प्राणी में जन्म नहीं लेना चाहता और मेरे काम क्रोध लोभ मद मोह पूरी तरह से नहीं जाते हैं, तो क्या कुछ हद तक दूसरों को बिना हानि पहुंचाए सदुपयोग कर सकता हूँ, अर्थात जीवन का सदुपयोग कर सकता हूँ? ये पहला प्रश्न जी मैं अब संध्या जी किया कि निचले वर्ग में जाना नहीं चाहते हैं जी, और मेरे काम क्रोध लोभ मद मोह आते रहते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं, तो क्या कुछ हद तक दूसरों को बिना हानि पहुंचाए ये जीवन जो है वो सदुपयोगी हो सकता है? दुर्गत युनियों में जन्म नहीं लेना चाहना, ये सभी सत्वों के स्वभाव में है। जहां पर दुख होगा वहां जाना कौन चाहेंगे? दुख से निर्वृत रहना सुख प्राप्त करने की अभिलाषा सभी सत्वों का एक मूल स्वभाव है, वो कोई किस व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं है। सुगत जन्म और दुर्गत जन्म कुशल कार्यों से और अकुशल कार्यों से होता है, ये लगभग सभी कर्म और कर्मफल की व्यवस्था को विश्वास करने वाले लोगों का एक ही मत है। तो इसलिए ये जो मनुष्य की जीवन है ये बहुत शक्तिशाली है, इस जीवन में जो कुछ करना चाहें वो करने की क्षमता इस जीवन में है, इस शरीर में है। तो इसलिए दुर्गति में ना जन्म लेने का एकमात्र उपाय है अकुशल कार्यों से बचना, कुशल कार्यों का संपन्न करना। काय वाक चित्त के माध्यम से होने वाले 10 अकुशल कार्य अभिधम ग्रंथों में व्याख्यात किया गया है, तो वह सब जानते ही होंगे। 10 अकुशल कार्यों से बचे रहें और उसकी शील प्राप्त करें, 5 शील 10 शील। 5 शील बहुत प्रचलित हैं और 10 शील भी प्रचलित हैं, वो जीवन पर्यंत या दैनिक रूप से उसको लें और उसको पालन करें। तो जीवन पर्यंत 5 शील या 10 शील पालन करेंगे वो अगले जन्म में दुर्गत जगत में नहीं जन्म होगा, इतना तो सोच सकते हैं। और लोगों को हानि पहुंचे बिना एक अहिंसा की जीवन जीना, इसमें ही जीवन की सार्थकता बने हुए हैं। तो इसलिए हर कार्य में
प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किस सत्व की, न केवल मानव की, किस सत्व की कीड़ा मकोड़ा की किसका हानि तो नहीं पहुंचे हैं, ये स्मरण रहें और इसके माध्यम से काम करें तो दुर्गत जन्म लेने की भय से मुक्त हो जाएंगे। और उसके साथ साथ त्रिशरण तो है ही हैं, रोज त्रिशरण प्राप्त करें, त्रिशरण का स्मरण करें, दशशील पंचशील का पालन करें तो ये फिर कभी दुर्गत जन्म के लिए संशय नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अगला प्रश्न हम पूछें, खड़े होकर पूछें, तेज आवाज। ओके, सो माय क्वेश्चन इज, इन दिस कैपिटलिस्ट वर्ल्ड व्हिच गिव्स राइज टू इंडिविजुअलिज्म एंड मेक एवरीवन कंज्यूमर, एवरीथिंग इज नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड सिस्टमैटिक, ऑपरेशन एंड पॉवर्टी आर सिस्टमैटिक, देयर आर डिफरेंट आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड नाउ which runs on poverty, people are part of it, part of systematic violence and oppression. So how karma will affect everyone and can we escape, and what is the way to make, to do kushal karmas and not akushal karmas? सर, मैं इनके भाव को ही समझ पाया हूँ कि जो आजकल के समय में जहाँ बहुत सारे जो इस प्रकार से हत्या है या फिर अत्याचार है, ऐसे समय में कैसे अक्सर जीवन को वो कुशल कर्म को कर सकें, कैसे हम अक्सरता से बच सकें, संभव है सर मेरे समझ में? The systematization of all institutions and systems which have taken away all the individual freedom. This is only a lip service individualism in this modernity. They consider that individual is the topmost. Actually, it is not. All the individuals' way of thinking and way of independent analyzation are all taken away. So, if I understood your question correctly, in this kind of world, how an individual can remain pure or have a right livelihood? It is difficult, I do agree with you, but it is not impossible. If someone has the right determination, samyak sankalp and samyak drishti, right view, and one can decide how to live one's own life without surrendering to the dictatives of the capital owners. And for that, you should have to keep your freedom to decide what is your need. And also decide how to fulfill those needs without indulging into the structural violence of earning the livelihood. And we can get out of this structure, the rigid structure, and have one's own way of earning one's own livelihood. By that way, I think, in spite of difficult, we should not think it is impossible. Of course, at this moment, the collective karmic force is very much negative. Collective karmic force is
causing the degradation of environment, climatic change, global warming, all kind of this natural disasters, and which further promotes the consumerism and taking unfair advantage by the capital owners, even facing the natural calamities and problems. So therefore, we shall have to get out oneself. Number one, contributing into the negative economic force which is accumulating in these days by remaining a part of the modern monolithic society. And we may not be physically go out of it, but mentally we can have disagreement and dissociation oneself from the economic force, collective economic force, and also dissociation oneself from the monolithic modern society, so that one might be able to remain untouched by the negative forces. So this is, if you have a right determination and right effort, you will be able to achieve it. अगला प्रश्न एक छात्र का है मुक्तानंद, उनका प्रश्न है कि बुद्ध की शिक्षाएं गैर बौद्धों तथा युवा पीढ़ी के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं? बुद्ध की शिक्षाएं गैर बौद्धों के लिए तथा युवा पीढ़ी के लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती हैं? कैसा प्रासंगिक हो सकते हैं, ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से स्वयं से पूछना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ये सब के लिए प्रासंगिक हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सबको ठोंस रहे हैं। बौद्ध धर्म मूल रूप से अहिंसक धर्म है। बौद्ध एक ही चीज कहते हैं कि हिंसा मत करो, अहिंसा रहो। हिंसा नहीं करना, अहिंसा होकर के रहना मनुष्य के जीवन के लिए प्रासंगिक है कि या नहीं, ये स्वयं पूछना चाहिए। ना केवल गैर बौद्धों के लिए, कोई अपने को बौद्ध भी मानता हो तभी ये पूछना चाहिए कि यह हमारे लिए बौद्ध के उपदेश हमारे लिए प्रासंगिक है क्या नहीं। प्रासंगिक है या नहीं ये पूछने के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं और मेरे दायित्व तो क्या है, मेरे जीवन की लक्ष्य क्या है। ये जीवन ऐसा ही बीत जाने देना है या इसमें से कुछ अर्थ उठाना है? अगर इसमें से कुछ अर्थपूर्ण काम करना है तो बहुत उपदेश हमारे लिए प्रासंगिक है या नहीं, ये स्वयं देखना पड़ेगा। जहां तक स्वयं की पहचान नहीं है, जो स्ट्रक्चरल व्यवस्थागत जो ढांचा है, उस ढांचा से अपने को हिल डुल नहीं पाने की स्थिति में हो, तो बौद्ध धर्म को छोड़ करके कोई भी धर्म किसी लिए प्रासंगिक नहीं होगा। आज दुनिया में धर्म मानने वाला और धर्म नहीं मानने वाला की ज्ञान संख्या की तुलना किया जाए
तो धर्म मानने वाले जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन उन जनसंख्या में सभी लोग अपने अपने धर्म अनुसार जी रहे हैं ये पूछा जाए तो कोई भी बहुत कम। मैं ऐसे हर धर्म की हर परंपरा में देखा तो 1 या 2% धर्म में कुछ जीते होंगे, बाकी सब धर्म जो है वो एक दूसरी चीज हो गए हैं। पनिकर जी कहा करते थे कि रिलीजियसनेस खत्म हो गए हैं, रिलीजियनिज्म थोड़ा बहुत बचे हैं, रिलीजियसनेस खत्म हो गए हैं, रिलीजियोसिटी थोड़ा बहुत बचे हैं, जो कुछ है वो रिलीजियनिज्म है। रिलीजियनिज्म को माने माय रिलीजन इज बेटर देन द अदर रिलीजन, मेरा धर्म। अगर धर्म को मेरा धर्म के रूप में परिणित किया जाए और उसको बाकी लोगों से श्रेष्ठ साबित करने की प्रयास किया जाए तो वहां पर धर्म प्रासंगिक होने की कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्रासंगिक नहीं होने पर भी प्रासंगिक मान करके उसको अहंकार की और आत्मधारणा की पुष्ट के लिए उपयोग करते हैं कि वहां पर कोई धर्म नहीं है। तो इसलिए ये हमको समझना होगा कि कोई भी धर्म जीवन में प्रासंगिक है कि या नहीं, ये देखने के लिए पहले स्वयं को पहचानना होगा और दूसरा धर्म के मूल तत्वों को समझना होगा। अगला प्रश्न डॉक्टर अनीता जी पूछेंगे। मैं वैद्य हूँ, तो वैद्य के काम में जी 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 तो कभी कभी धैर्य देने के लिए पेशेंट के माँ बाप को थोड़ा सत्य को थोड़ा शेयर करना पड़ता है कि बच्चा ठीक होगा, आप धैर्य दीजिए। तो ये भी करुणा से करने से भी इस एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग आइडिया कभी कैसे है? कभी कभी बच्चे के माँ बाप को धैर्य देने के लिए हमको कहना पड़ता है कि बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब ही हमको पता है कि थोड़ा इतना ठीक नहीं है, पर धैर्य देने से भी बच्चा ठीक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि माँ बाप को धैर्य हो जाता है। तो ये भी एग्जाम्पल है कि रॉन्ग लाइवलीहुड का एग्जाम्पल हो सकता है करुणा से करने से भी। नहीं, करुणा से या कोई उपाय कुशलता से, भगवान बुद्ध ने इस शब्द को उपयोग किया है, उपाय कुशलता। उपाय कुशलता में कोई असत्य वचन कह भी जाए, उसका एग्जाम्पल दिया है, कोई मृग उनको मारने वाले बंदूक लेकर के या तेल लेकर के उसके पीछे भाग रहे हैं और मृग आगे निकल गए हैं, आपने उसको देखा है, तो वो मरने वाला आकर के आपसे पूछें कि यहाँ से एक मृग भागा था, तो अगर आप कह देंगे हाँ इंद्र भागा था तो वो सत्य तो हो जाएगा, लेकिन उस मृग की जान को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए या तो कह सकते हैं नहीं देखा, या कह सकते हैं नहीं उधर देख दूसरी तरफ भागा। तो जिसकी उद्देश्य केवल उस जंतु की जान बचाने के लिए ही है, अब अपने कोई स्वार्थ इसमें नहीं है, आपके अपना स्वार्थ कोई नहीं है, केवल किसी के हित के लिए है या किसी को करुणा की वजह से
उसको उपाय कुशलता कहते हैं, उसको छल कपट नहीं कहते हैं, ऐसा कहा गया है। वो चित्त वृत्ति के ऊपर ही सब चीज निर्भर है। चित्त में हित कारक और करुणा से प्रेरित हो तो कभी ऐसा करना भी पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है। अगला प्रश्न बनते मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध की शिक्षा स्टूडेंट पे क्या प्रभाव डालेंगे? भगवान बुद्ध की शिक्षा स्टूडेंट पर क्या प्रभाव डालेंगे, ये शायद पहले भी कुछ ने मिले जुता प्रश्न पूछ चुका है। स्टूडेंट उसको देखेंगे तब जानेंगे कि प्रभाव डालता है कि नहीं डालता है, और स्टूडेंट तक पहुंचते ही नहीं तो उससे प्रभाव क्या डालेगा। ऐसा बुद्ध धर्म मूल रूप से प्रचारी के धर्म के उसमें नहीं है, श्रेणी में नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना प्रार्थना किए हुए धर्म उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इसलिए आजकल एक रिचुअल जैसा हो गया है, फिर भी हम पांचशील लेने से पहले प्रार्थना करते हैं या कोई भी उपदेश लेने से पहले प्रार्थना करते हैं। कोई आपको से पूछे तब भी बताना चाहिए। अब आपके स्टूडेंट की अर्थ धर्म को अध्ययन करने वाले छात्र के रूप में लेते हो तो धर्म का अध्ययन करने वाले छात्र के रूप में वो धर्म का क्या प्रभाव पड़ेंगे नहीं प्रभाव पड़ेंगे अपने पात्रता पर निर्भर करेगा। अपने पात्र सही हैं, पात्रता है वो धर्म श्रुति करने की और चिंतन करने की पात्रता है तो प्रभाव जरूर पड़ेंगे। अगर आपने पात्रता नहीं है तो प्रभाव नहीं पड़ेंगे। धर्म में अपने आप की प्रभाव की प्रभाव पड़े ना पड़े वो सब व्यक्ति पर निर्भर है, वो धर्म पर निर्भर नहीं है। एक प्रश्न आया है कि आर्य मार्ग से सम्यक आजीविका आज के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण मानव अर्थात प्राणी किस तरह से कर सकते हैं जिससे कोई कायिक वाचिक व मानसिक अक्षल कार्य न हो और जीवन काल में दुखी न हो सके, मतलब जीवन काल में दुखी न हो। इसमें सबके लिए एक जैसे उत्तर देना कठिन है। आज के समय में भी समय की आजीविका संभव बनाने के लिए दो तीन चीजों की आवश्यकता होगा। जैसा इस अष्टांग मार्ग के कर्म है उस कर्म के अनुसार काम किया जाए तो समय आजीविका भी संभव हो सकता है। एक तो समय की दृष्टि, कौन सा चीज आज समय की आजीविका है, कौन सा चीज समय की जीविका है, इसका विश्लेषण करके सही ढंग से समझ सकें। और उसके बाद समय संकल्प, उस समय आजीविका के साथ ही रहेंगे, चाहे भूख मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, इसका समय संकल्प होना जरूर होगा। और समय की आजीविका के लिए स्वयं की अपरिहार्य आवश्यकता क्या है जिसके बिना हमारा जीवन
जी नहीं सकेंगे तो उसकी सीमा पर आवश्यकता क्या है वो पहचाना, और उतना ही आवश्यकता के साथ जीने की संकल्प हो, जीने की शक्ति हो और जीने के लिए प्रयासरत हो, तब समय विपरीत होने पर भी अपने एक नए वातावरण और नए क्षेत्र अपने संकल्प से तैयार कर सकते हैं, एक भूमि तैयार कर सकते हैं, तो जिसमें जी करके देखें, अनुभव करें, तो वो आगे और संभावनाएं खुलते चले जाएंगे। मुझे अगला प्रश्न है कि हम मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष कैसे बन सकते हैं? अब ये मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो अभिधर्म में वर्गीकृत किया गया है, बुद्धपाद प्रदीप में वर्गीकृत किया गया है, उस दृष्टि से पूछता हो तो मध्यम पुरुष वो हैं संसार के दुखों से प्रेरित होकर के संसार के दुख से निर्वृत्त होने की जो निश्रम भावना अपने चित्त में उत्पन्न करके निर्वाण की उन्मुख होता है, उसको मध्यम पुरुष कहा गया है। तो उस मध्यम पुरुष से उत्तम पुरुष में जाने का मार्ग केवल यही है, अपने ऊपर सांसारिक दुखों के जो अनुभव करते हैं वो सारे सांसारिक दुख संपूर्ण जगत के संपूर्ण सत्वों के ऊपर भावना करें, क्योंकि संसार में फंसे हुए हर व्यक्ति हर सत्व और जिन दुखों से हम खुद परेशान हैं उन सब दुखों से पीड़ित हैं, तो इसलिए अपने दुख निर्वृत्त करने की इच्छा की जगह पर समस्त जगत के दुख को निवारण करने की इच्छा रखें, तब वो उत्तम पुरुष हो जाता है। जब समस्त जगत के दुख निर्वृत्त करने की इच्छा तभी पूर्ण हो सकता है समस्त जगत की कार्य करने की क्षमता हो, वो क्षमता केवल बुद्धा पर ही है, बुद्ध में ही है, बुद्धत्व प्राप्त होने पर ही है, तो इसलिए बुद्धत्व प्राप्त करने की जो संकल्प रखते हैं उसको उत्तम पुरुष कहा गया है। तो अपने मुक्ति की जगह पर समस्त परिणामों की संपूर्ण जीवों की मुक्ति की इच्छा जब उत्पन्न होगा तब वे उत्तम पुरुष में परिणित होंगे। गुरु जी, दैनिक जीवन में स्किल्स, नॉलेज एंड प्रोडक्टिविटी बेटर अब्सॉर्ब और एनहांस करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? समझा नहीं। दैनिक जीवन में अपनी स्किल्स, नॉलेज और प्रोडक्टिविटी इन जनरल बेटर अब्सॉर्ब और एनहांस करने के लिए क्या प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए? सर्वोन उपयोग होने वाले ऐसा प्रैक्टिस मैं नहीं जानता हूँ, ये तो इंडिविजुअल्स को व्यक्ति को अपना अपना खोजना होगा कौन सा प्रैक्टिस करने से ये सब बेटर होते हैं। ऐसा प्रोडक्टिविटी की जो शब्द हैं वो आधुनिक की सभ्यता की शब्दावली हैं, तो उससे आपका अर्थ क्या है ये भी मैं नहीं समझता हूँ। प्रोडक्टिविटी में प्रोडक्टिविटी के साथ कंजम्पशन भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होना चाहिए, ऐसा ऐसा रखते हो
तो वो समय की संकल्प की साथ नहीं चलेगा। कदम एक एक लोग का प्रश्न आया ऋषि जी कि चित्त क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है? चित्त का स्वरूप समझना सरल नहीं है। वैसा भी अभिधर्म में चित्त के बहुत लंबे कैटेगरीज हैं, तो वो कई वर्षों की अध्ययन करने का सामग्री है, तो इसलिए दो शब्द में चित्त की परिभाषा करना बहुत सरल तो नहीं होगा, लेकिन जो साधारण शब्द में मन, मेरे मन में ऐसा विचार हुआ, ऐसा मन करता है, जो हमारा शरीर है वह एक स्थूल वस्तु है, हमारा वाक्य है, शब्द है, वह एक साउंड है, एक ऐसा चीज है जो श्रुति के माध्यम से सुना जा सके, और तीसरा मन है जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं, ये सब करता जो है वो चित्त है। यहां मैं चित्त मन के रूप में कह रहा हूं, चित्त चेतसिक के विभाजन की बात मैं नहीं जा रहा हूं। चित्त चेतसिक के विभाजन में जाएंगे तो चित्त एक मूल मन के रूप में दिखा जाता है। जैसा आप प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को पहले अपने विचारों में व्यवस्थित करते हैं, उस विचारों से प्रश्न को शब्द देते हैं, और उस शब्द को कागज पर अक्षर के रूप में लिखते हैं, इस सब कार्य में चित्त जो है प्रदान है, या वो सब कार्य की अग्रगणी है, प्रदान है। जब आपके विचार में अक्षर का स्वरूप भूल जाएंगे तो रुक जाएंगे, अगर आप चित्त में अक्षर के स्वरूप का स्मरण नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे, उस शब्द का स्मरण नहीं है तो आप भूल नहीं पाएंगे। वो सारे चीज व्यवस्था होता है चित्त के अंदर, मन के अंदर, तो एक ही बहुत विशाल इसका विवेचना है, तो जिसके लिए साइंस ऑफ माइंड आजकल जो कहने लगे हैं, हिसोनेस भी कभी कभी इसका यूज करते हैं, तो ये साइंस ऑफ माइंड जो है भारतीय दर्शनों में विशेष रूप से बौद्ध दर्शन में बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण किया गया है। अब ये कुशल चित्त के रूप में उत्पन्न होता है तो क्या क्या होता है, अकुशल चित्त रूप में उत्पन्न होता है तो क्या क्या होता है, तो उसमें थॉट, इमोशंस, रिकॉग्निशंस सारे चीज सम्मिलित हैं, जो ये सब करने वाले हैं उसको चित्त कहते हैं। ऋषि जी ये प्रश्न मेरा है, तो
पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन और शिक्षा में क्या अंतर है? अभी तक तो मेरी समझ से एक ही समझता आया हूँ। इसका मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ एजुकेशन क्या है, क्योंकि हम अनएजुकेटेड हैं, तो इसलिए एजुकेशन के विषय में बोलने का अधिकार नहीं है। शिक्षा उसको कहते हैं शील, समाधि और प्रज्ञान, तो बहुत सरल है। पहले एक अनुशासन में रहिए, काय वाक्य चित्त के स्तर पर, और फिर चित्त को एकाग्र करने की और चित्त को विश्लेषण करने की सक्षम बनाइए, और जिससे आंतरिक प्रज्ञान को जागृत करिए, तो ये शिक्षा की प्रक्रिया है। आंतरिक प्रज्ञान अभी दबा हुआ है, सोया हुआ है, जिसको जागृत करना है ताकि जीवन एक सार्थक जीवन हो सके। तो उसके लिए चित्त एक अनुशासन में लाना होता है, एकाग्र होने की और विश्लेषण करने की क्षमता को प्राप्त करना है। तो उससे पहले कायिक और वाचिक अनुशासन की आवश्यकता होता है। तो इसलिए जो शिक्षा है तीन कर्म से, प्रज्ञान को जागृत करने के लिए चित्त को प्रशिक्षित करें, और चित्त को प्रशिक्षित करने के लिए काय और वाचिक कार्य को प्रशिक्षित करें, तो शील, समाधि और प्रज्ञान ये शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ऐसा एजुकेशन वाले में भी कुछ लोग कहते हैं इन ऑर्डर टू अवेक द इनर इंटेलिजेंस, एजुकेशन की उद्देश्य इनर इंटेलिजेंस को जागृत करने के लिए होना चाहिए, जो तो कृष्णमूर्ति बार बार कहा करते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति स्कूल्स में क्या कार्य में हो रहा है, मैं सब से संबद्ध हूं, तो कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होना कठिन होता है। तो इसलिए शिक्षा के अर्थ को समझ लीजिए, तो उससे फिर एजुकेशन की जानकारी वालों से पूछिए। गांधी जी ने एजुकेशन का परिभाषा किया है अक्षर ज्ञान, आज का एजुकेशन अक्षर ज्ञान है, तो उसमें हमारे इसमें 3 R's कहते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ये 3 चीजें दबा दीजिए, एजुकेशन हो गया, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। प्रणाम। प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में भारत देश में साथ साथ दुनिया भर में धर्म के आधारित पर जो हिंसा विभाजन हो रहा है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, और कई देशों में बौद्ध धर्म भी इसका हिस्सा रहा है और वही काम कर रहे हैं, कई देशों में भी बौद्ध धर्म में भी। तो इस तरह धर्म के आधार पर जो हिंसा और अन्याय हो रहा है उसको समझने के लिए, उसको रोकने के लिए बौद्ध धर्म किस तरह का पात्र बन सकता है इस समाज में? धन्यवाद। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके प्रश्न से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं। धर्म विभाजन के हेतु हो रहे हैं और धर्म से हिंसा उत्पन्न हो रहे हैं, ये सही नहीं है। जहां धर्म होगा वहां हिंसा नहीं होगी, विशेष रूप से जहां बुद्ध धर्म होगा वहां पर हिंसा होने की, और विशेष रूप से अन्य धर्म का अनादर करने की तो प्रश्न नहीं होता है।
दूसरे धर्मों के अनादर करते हो और अपने धर्म के नाम से हिंसा करते हो, तो वहां आप समझ लीजिए कि बुद्ध धर्म का नाम निशान मिट चुका है, बुद्ध शासन वहां पर है नहीं। बुद्ध शासन होता तो ये सब नहीं होता। तो अभी मैंने कहा कि पनिकर के वो किया था कि धार्मिकता समाप्त हो गया है और रिलीजियोसिटी जो मूर्तियां हैं, टेंपल्स हैं या प्रार्थना है, पूजा है, ये धर्म के रूप में और अधर्म के रूप में दोनों में कहीं कहीं माना जाता है। तो रिलीजनिज्म इज्म जहां पर माई रिलीजन ये मेरे धर्म है या मेरे धर्म को खतरा है, मेरे धर्म पर अत्याचार हो रही है ऐसा सोचना, या दूसरा धर्म सही नहीं है ये सोचना, वह व्यक्ति किसी भी धर्म से छुया नहीं है। वो धर्म को तो छोड़ दीजिए, किसी भी धर्म का वो अनुयायी नहीं है। वो अपने को असल में धर्म तो जान से प्रवेश होना पड़ता है। अब बोध तभी बनेंगे जब आपने त्रिशरण को पहचाना, शरण ग्रहण करने के हितों को आपने चित्र उत्पन्न किया और त्रिशरण की शरण गमन किया, तब वह बौद्ध बौद्ध बनते हैं। लेकिन आज जिस बौद्ध के परिवार में जन्म लेते हैं तो वह जन्म लेते ही बौद्ध मान लेता है, तो उसे हृदय में इसके चित्त में बौद्ध धर्म का कोई वो वांशिज आता नहीं है, अनुवांशिज आने वाले नहीं है, ये तो चित्त की अपना अवस्था है। तो इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि धर्म विभाजन के कारण हो रहा है। लोगों ने धर्म के नाम को विभाजन करने के लिए उपयोग कर रहे हैं, ये कहना चाहिए वो अधर्म आदमी है, वो अपने धर्म की एकदम सत्यानाश कर रहे हैं। अगर वो धर्म के नाम पर या वो धर्म के रक्षा के नाम पर या वो धर्म की प्रचार के नाम पर कोई भी हिंसा कम कर रहे हो तो वो बुद्ध धर्म को ही नष्ट कर रहे हैं, उसमें बुद्ध धर्म का कोई योगदान नहीं है। तो इसलिए धर्म विभाजन के कारण बनते हैं। तो मैं बौद्ध धर्म के मात्र नहीं सोचता हूँ, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, अगर वो धर्म विभाजन के कारण बनते हो ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। विभाजन करने वाले हैं वो अधर्मिक होते हुए धर्म के नाम को विभाजन की और हिंसा की कारण के लिए उपयोग करते हैं, धर्म अभ्यास नहीं करते हैं, धर्म के नाम को मिसयूज करते हैं, ऐसा कहना चाहिए। तो जो प्रश्न उत्तर का सत्र यहाँ पर समाप्त करता हूँ। पूज्य इंद्रजीत जी को बहुत बहुत आभार कि हम लोगों को वक्त दिया। इस संबंध में धन्यवाद ज्ञापन के रूप में संस्थान की निदेशक भिक्षुणी कुंभला से अनुरोध करता हूँ की खुशी जी से बहुत बहुत थैंक्स करें। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कुंभला टू फॉरवर्ड थैंक्स।